देश भर में जो विभिन्न कस्टमर्स हैं उनको बल्क एसएमएसएस भेजे गए थे जिसमें उनसे केवाईसी अपडेट करने को कहा गया था या अकाउंट बंद करने के नाम पर अपने फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल नंबर दिए गए थे जिनसे कॉल करके जब उनको कॉन्टैक्ट किया कस्टमर्स ने तो उनके पैसे ड्यू कर लिए और पूरा जो अमाउंट था वो लगभग 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का अमाउंट पूरा कुल मिला के हुआ था। तो इस कनेक्शन में जब विभिन्न राज्यों के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसमें देवघर के भी कुछ क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने देवघर पुलिस को संपर्क किया जिसमें तुरंत एक साइबर थाने में कांड इसमें दर्ज किया गया एवं डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पिछले 3 दिनों में लगातार रेड करके इन्वेस्टिगेशन करके और टेक्निकल सेल की सहायता से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और सर्वप्रथम इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फर्दर उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर और उनके द्वारा मिले हुए एविडेंसेस के आधार पर कल भी 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के इस कांड में 8 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बहुत सारा इसमें सामान भी बरामद हुआ है जिसको सीज किया गया है, जिसमें नकद 1,20,000 रूपए, लैपटॉप, 29 मोबाइल फोन, करीब 15 सिम कार्ड, 53 ATM कार्ड, 21 ब्लैंक ATM कार्ड जिसको क्लोन करने में यूज किया जाता है, 1 क्लोनिंग मशीन और ये सब चीजें हम लोगों को इसमें गिरफ्तारी के साथ बरामदगी भी हुई है जिसको सीज कर लिया गया है। तो इसमें साइबर सेल की टीम द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, अपराधियों की धरपकड़ की गई है। इसमें हम लोगों का इसमें पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट और करके इसमें और लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करें तथा इस मनी ट्रेल को पकड़ें कि एक्चुअली जो पैसा निकाला गया था वो कहाँ कहाँ गया है ताकि इसमें हम कुछ और पैसों की बरामदगी कर पाएं। सर, सारे अपराधी जो गिरफ्तार अपराधी में से एक अपराधी जामताड़ा जिले का भी है रहने वाला ओरिजिनली और एक बांका जिले का भी है, लेकिन गिरफ्तारी सब देवघर और आसपास के।